हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तुम्हें आज का जो बम्बू स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा वीडियो होने वाला है, जो कि मेरा मूर्ति 10 इंच का इसका बेस रहेगा, उसके बाद में 12-13 इंच का मूर्ति बनेगा मेरा टोटली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको नाप जो के दिखा देते हैं कितना इंच का आपको क्या लेना है। 10 इंच का इसका नीचे का बेस रहेगा, देख सकते हैं आप, क्योंकि मूर्ति थोड़ा डिजाइन वाला रहने वाला है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ इसको। आप पूछ रहे होंगे 12 इंच का मूर्ति है, 10 इंच का स्ट्रक्चर का क्या जरूरत, लेकिन ज़रूरत है भाई, क्योंकि कुछ इस पर थोड़ी डिज़ाइन में बनाऊंगा, इसके लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे में बन जाता है, लेकिन वही हाल है कि मतलब उतना छोटा जगह भी नहीं चाहिए कि उसमें काम करने में आपको परेशानी हो। छोटा में भी हो जाएगा, 5-6 इंच तक में भी हो जाएगा, लेकिन बट वही है, तो मैं इसको बना ले रहा हूँ पूरा। उसके बाद मैं बीच से मैं अलग कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मेरे को स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगा नहीं। मैं उसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो नीचे का पटरी है ये नुकसान ना हो, इसीलिए मैं इसको मतलब सेफ निकल जाए एक मूर्ति उसमें और बन जाएगा छोटा सा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको मतलब एक ही चाली में पहले ठोंक ले रहा हूँ, उसके बाद में इसको डिवाइड कर दूँगा, काट के अलग कर दूँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं कील आराम से कील मारते समय एक बार विशेष ध्यान दें, हाथ बचा के मारिएगा, नहीं तो हाथ पे लग जाएगा तो चोट खा सकते हैं आप, तो ये बहुत सावधानी से काम करिएगा दोस्तों, ठीक है। ये मुड़ जा रहा है, ये भी ध्यान देना है आपको। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये बड़ी मूर्ति थोड़ा बनाना हो तो इसमें हो सकता है, लेकिन मैं इसको काट दूँगा, ठीक है। ये नाप के दिखा दे रहा हूँ आपको कितना कितना, देख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको काट कर अलग कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये अलग हो गया, इस पर मेरा मूर्ति बनेगा, ये वाला छोटी मूर्ति छोटा थोड़ा और बनाने के लिए मैं इसको अलग रख ले रहा हूँ, ठीक है। भाऊंगा नहीं इसको, इसीलिए मैं इसको काट लिया था, ठीक है, नीचे वाला बचाने के लिए, नहीं वेस्ट हो जाता वो काट के फेंक देता, ये मतलब मैंने इसको बचा लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मूर्ति की बधाई थोड़ा बहुत मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है इतना बांधने का। देख लीजिए कितने छोटे स्ट्रक्चर में मैं इसको बना रहा हूँ, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है और बनाई भी बहुत टफ है, क्योंकि छोटी मूर्ति बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और बड़ी पूरा वीडियो मैं बनाता तो इसको मान चलिए आधा घंटा लग जाता, लेकिन मेरे पास ना टाइम नहीं था, इसलिए मैं इसको काट कपट के मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं इसका मिट्टी का भी काम थोड़ा बहुत दिखा दूँगा आपको, और ये ऑर्डर पे है काम, छोटा मूर्ति है, बड़ा भी दिखा दूंगा आपको बना के। ये बधाई में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरा सुतली जो है बहुत ही बड़ा है, मतलब मोटा है, ये इतना मोटा से बनने में बहुत ही मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। और देख सकते हो ये मोटा मोटी मैं काम कर रहा हूँ, बहुत पतला पैर है, पैर के अंगूठे के बराबर इतना मोटा है, बस इतना मोटा पैर है, तो वही प्रॉब्लम उसमें फेस हो रहा है सुतली के लेके, लेकिन क्या करें, इतनी पतली सुतली लाने के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सा भी काम था हो जाएगा, आप धागे से भी इसको बांध सकते हैं, ठीक है, रजाई वाला जो धागा होता है वाइट, उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कास्टली पड़ेगा आपको। ये भी ठीक है, काम कर देगा बढ़िया से, एकदम मस्त काम होगा इससे भी, बट लेकिन थोड़ा आपको दिक्कत होगा बांधने में। मैं स्टाइल थोड़ा ऐसे ही रखता हूँ इसका, और इसमें नीचे भर देता हूँ, ये देखिए बॉडी का शेप थोड़ा मैंने दे दिया है, और आगे का मैं थोड़ा वीडियो और बना के दूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई बनाने में, क्योंकि मैं अकेला हूँ बनाने में। तो आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको इसमें सीख ज़रूर मिलेगा, और सरस्वती को लेकर मैं और सारा वीडियो आपको दूँगा, गाना का ये सब, ठीक है, हो सकेगा, क्योंकि टाइम नहीं रहता भाइयों, क्योंकि अकेले पड़ जाता हूँ इसी वजह से, ठीक है। जिसको मोल्ड चाहिए वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मोल्ड सेलिंग का काम मैं चालू कर दिया हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आती होगी। चैनल पर नए हैं भाइयों तो चैनल के लिए सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, अपने भाई का ही चैनल है। तो तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, वीडियो को देखिए, मज़ा लीजिए, जय माता दी दोस्तों।